मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा पुरुषोत्तम कि तुम वो पुरुषोत्तम नहीं रहे जो इस कंपनी को ज्वाइन करते वक्त थे। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने हमेशा अपना काम लगन और ईमानदारी के साथ किया है। लेकिन अब तो नहीं कर रहे जी, क्या मतलब? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा था पुरुषोत्तम, क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्कर थे, ईमानदार थे और कंपनी के लिए लॉयल। सर मैंने ऐसा क्या किया है? सर अभी अभी आपने जो मेरे बारे में कहा मैं तो वो सोच भी नहीं सकता। सर अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आई एम सॉरी सर। मुझे बेवकूफ समझते हो? जानबूझकर अनजान लोगों ने पुरुषोत्तम क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। हमारे रॉ मटेरियल की इंफीरियर क्वालिटी की वजह से कई जगह से माल वापस आ चुका है। लेकिन सर तुम्हारी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तुम इंचार्ज हो रॉ मटेरियल के, तुम जिम्मेदार हो इंटीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचने के लिए। सर मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, आपको जरूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। मैंने किसी को इंटीरियर क्वालिटी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी सर। मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहता हूँ पुरुषोत्तम, बहुत झूठ बोल चुके हो तुम। मैं जानता हूँ तुम सप्लायर से रिश्वत लेते हो। नहीं सर मेरी बात पर यकीन कीजिए सर। अपनी बकवास बंद करो। जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया उस दिन अपने आप को सस्पेंड समझना। नाउ यू कैन गो। बेटा बेटा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं बेटा, हम सब बेटा घबराने की कोई बात नहीं, गंगा को डिलीवरी के लिए अंदर लेके गए हैं। हेलो। हाँ मैं पृथ्वी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? वो जानते हैं हम कौन बोल रहे हैं, आप उन्हें फोन दीजिए। अच्छा एक मिनट, पृथ्वी पृथ्वी कैसे तुम्हें? तुम्हारे लिए किसी का फोन है। मेरे लिए कैसे हो सकता है, किसी को मालूम नहीं कि हम लोग यहाँ पे कौन है। पता नहीं लेकिन जो भी है बहुत पिए हुए हैं। किसका हो सकता है? आप बात करके तो देखिए। हेलो पिताजी कैसे हैं आप? धनराज तू? हाँ मैं। तू बोल कहाँ से रहा? यूँ समझ लीजिए कि बस स्वर्ग से बोल रहा हूँ, और आपको भी मैं उस नरक में नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा ज्यादा दिन उस मोहन के घर में। क्या कह रहा है धनराज? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, इधर मैंने थोड़े दिन में बहुत माल कमा लिया है, अपनी अपनी जेबें फुल है इस वक्त पिताजी, बहुत माल कमा लिया है। धनराज इस वक्त तूने बहुत ज्यादा पी रखी है, तू होश में नहीं है, तू तुरंत अपने बुआ के घर आ जा। नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा, और आपको भी वहां नहीं रहने दूंगा पिताजी। मैं जल्दी ही अपना घर खरीदूंगा और फिर आपको लेने आऊंगा। अब आपको दूसरों के रहमो करम पे जीने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं आपको जल्दी ही लेने आऊंगा, मैं लेने आऊंगा आपको। ओके प्रणाम। कहां से बोल रहा था धनराज? कुछ बता ही नहीं उसने। क्या कह रहा था वो? कुछ कहने की हालत में था ही कहां। अरे हिम्मत से काम लो।
फोन करना है आपको? करना तो था। तो कीजिए। पहले आप कर लीजिए। नहीं, लेडीज फर्स्ट प्लीज। बात नहीं करनी आपको? आपसे बात करने के बाद किसी और से बात करने का दिल ही नहीं चाहता। ऐसा क्या है मुझमें? आपकी मुस्कुराहट बड़ी जालिम है। शायद पहली बार किसी लड़की ने किसी लड़के को ये बात कही होगी, वरना आज तक लड़के ही लड़कियों से कहते आए हैं कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी जालिम है। कुछ लेंगे आप इसकी? प्यार से जो भी देंगे आराम से लेंगे, आजमा कर देख लीजिए। उसने सोच ना गया। अच्छा, यू जस्ट वेट हियर। बेटा। जी साहब। ये खाली कमरा मिलेगा क्या? मिलेगा साहब। कितना पैसा? एक घंटे का 50 रुपया। अरे यार, तू 100 रुपया पकड़ किधर है? बोल। सीढ़ियां चढ़ के दायां पे पहला कमरा। आप जल्दी आ जाइए। ओके सर। गौरी बताओ ना, बात क्या है? जब मैंने तुम्हें कल फोन किया तब भी तुम काफी डिस्टर्ब साउंड कर रही थी, बोलो क्या बात है? राकेश, कल जब मैं घर पहुंची तो मेरे सास ससुर मेरी एल्बम देख रहे थे। तो क्या हो गया? मेरे स्नैप्स देखकर तो वो बहुत गुस्सा हो गए। इस हालत के लिए भी मुझे ही दोषी ठहराया। राकेश, उनकी नजर में भारतीय नारी को ये सब करना शोभा नहीं देता। तो तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था ना? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की राकेश, कि मॉडलिंग की दुनिया में ये सब कुछ होता है, लेकिन वो पुराने विचार के तकियानुसी सास ससुर कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गौरी, तुम इन बातों से इतनी अपसेट क्यों होती हो? देखो, वो लोग एक छोटे शहर में रहते हैं, उन्हें क्या मालूम कि बड़े शहरों में क्या होता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो राकेश, अब वो इतने छोटे शहर में भी नहीं रहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। गौरी, जब तुम्हारा पढ़ा लिखा पति यहाँ दिल्ली में रहकर तुम्हारे मॉडलिंग करियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर तुम बुरे लोगों को दोष क्यों देंगे? तुम सही कह रहे हो राकेश, अगर इन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता तो इसमें मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे तो अपने और अपने करियर के बारे में ही सोचना चाहिए ना। तुमने क्या डिसाइड किया? राकेश, मैं तुम्हारा अगला असाइनमेंट करने के लिए तैयार हूँ। देखो गौरी, तुम एक बार फिर से सोच, अगर तुमने असाइनमेंट किया तो तुम्हारे घर वाले तुमसे काफी नाराज हो जाएंगे। होते हैं तो होते हैं, अब मुझे इसकी परवाह नहीं। श्योर, देन आई विल गो अहेड। मैं शेड्यूल बनाकर तुम्हें 3-4 दिन में इन्फॉर्म करता, ठीक है? ठीक है। मुबारक हो, आपके एक गुड़िया ने जन्म लिया है। क्या हम गंगा और बेबी से मिल सकते हैं डॉक्टर? गंगा से तो मिल सकते हैं, लेकिन बेबी से नहीं। बेबी से नहीं मिल सकते? बेबी थोड़ी कमजोर है, इसी वजह से हमने उसे इनक्यूबेटर में रखा है। अच्छा, गंगा की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। क्या हम उसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए। पिताजी सूरज और दयाशंकर को फोन कर दो प्लीज। हमारे उड़न नाचे मोर तक थैया थैया। अरे मेरे करीब तो जाने मन, तुम्हें जन्नत की सर। सब ऐसा ही कहते हैं। जानती नहीं हो
जोश में सब ऐसा ही कहते हैं, मजे मारने के लिए। जोश उड़ाने की सब खुश। ख्यालात हकीकत में बदले ना तो माँ कसम मैं खुद को भी मार डालूंगी और तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं जाने मन, तुझे तो अभी बहुत दिन जिंदा रहना है और मुझे भी जिंदा रहना है, क्योंकि क्योंकि मैं दादा बन गया हूँ। दादा सिंगार में लगी रहती है, चल जा। कौन सी साड़ी पहनू? लेकिन जान मन, मैंने तो अभी अपनी पोती का मुंह देखा ही नहीं। अरे अभी तक नहीं देखा क्यों? अरे अपनी पोती का मुंह देखने के लिए, उसके हाथ में कुछ रखने के लिए माल वाल भी तो चाहिए कि नहीं। अरे देखो ना कितनी रात हो गई है, इस वक्त हमें अस्पताल में घुसने कौन देगा? अस्पताल के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, नहीं? ऐसा करेंगे, अपन कल सुबह चलेंगे, तब तक अपने पास माल वाल भी आ जाएगा। ठीक है, अभी देख देर भी तो बहुत हो गई है ना, थोड़े से मैंने चढ़ा भी रखी है, कोई बात नहीं, कल जाएंगे। You are under arrest, Mr. Dhanraj. क्यों? मैंने क्या किया है? चार्ज क्या है मेरे ऊपर? थाने पहुंच के सब समझ में आ जाएगा। अरे पकड़ लो इसे। नहीं, मैं ले चलो पुलिस स्टेशन। मेरी बात तो सुन, इंस्पेक्टर साहब। चलो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। चलो। अरे मेरा कसूर? मोहन, मोहन अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने फोन पर कहा था कि तुम्हें एक जरूरी बात करनी है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या बात है। संजय मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे तुमसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है संजय। मोहन मैं दोस्त हूं तुम्हारा, जो कुछ भी कहना चाहते हो ना बेझिझक होकर कह डालो। पद्मा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पद्मा, पद्मा नो डाउट एक एक अच्छी लड़की है। मैं ये जानना चाहता हूं संजय कि तुम्हारे दिल में पद्मा के लिए क्या जगह है। तो तुम्हें पता लगी क्या? चलो अच्छा ही हुआ, मैं खुद ही तुमसे कहना चाहता था। हाँ मोहन, मैं पद्मा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका अतीत जानते हुए भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं उसका अतीत जानते हुए भी उससे शादी करना चाहता हूँ। संजय तुम्हें पूरा भरोसा है अपने आप पर? हाँ, मैं यही बात सोचकर आया था संजय, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तुमने ये बात कह के मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, मैं आज ही माँ से बात करूंगा। मोहन चाहो तो एक बारी पद्मा से भी बात कर सकते हो,
उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो ना नहीं कहेगी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम दोनों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए देख लिया था। बोल बोल बोल, पॉकेट को छोड़। मैं कुछ नहीं जानता, मैं मर जाऊंगा साहब, मुझे छोड़ दो। मारा इसी दीदी दाखो तो साले आनी चोरी कर। सन्ना बापा जी नौकर समझ तो। बोल रे कुत्तिया बोलना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। अरे तू छोड़ रखा है भाई, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं उस पैकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। तू ना बोल राजू को बुला कर। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कैसा छोड़ दीजिए तुला फुकट टांग को छोड़। मुझे कुछ नहीं, मैं पॉकेट को छोड़। मुझे नहीं सगड़ा माई यार, मुझे ना किसी का पता होगा। बापा से राज्य समझ लो। मुझे छोड़, मैं कुछ नहीं। राजू क्या यही है तुम्हारा पार्टनर जिसको तुमने पैकेट दिया था? जी हाँ साहब, यही धनराज है और वो पैकेट भी इसके पास है। तूने तूने मुझे फंसाने की साजिश रची है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू ने तुम्हारे शिनाख्त कर दिए धनराज, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? मैं अब भी वही कहूंगा जो मैं पहले कहा, मैं बेकसूर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। सगड़ा माई साहब सर, एक मिनट सर, ये ब्रीफ केस इस होटल के कमरे से मिला जहां ये ठहरा हुआ था। धनराज, तुम्हारे कमरे से रुपए बरामद हो चुके हैं, बताओ तुमने ड्रग्स का क्या किया? भेज डाली ये रुपया मेरे पुत्र की कमाई है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे नहीं मानेगा शिंदे, इसका इलाज करो। भाई हम चाहते कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, हमने तो शादी के सारे इंतजाम करके रखे हैं, बस आपकी बारात का इंतजार है। बारात तो जब आप कहें हम ले आएंगे, हमें भी जल्दी है क्योंकि भाई हम जल्द से जल्द लंदन वापस लौटना चाहते हैं। मैं देखती हूँ। ठीक है चौधरी साहब, फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप शादी की तारीख पक्की करवा लीजिए। ठाकुर साहब जो भी पास की तारीख हो ना आप डिसाइड कर लीजिए, भाई हम तो इस शादी से जल्द फारिग होना चाहते हैं। इंस्पेक्टर यही है ठाकुर, पकड़ लीजिए इसे, इससे पहले कि ये कोई तीसरा रूप धारण करे गिरफ्तार कर लीजिए। माँ माँ माँ, क्या बात है बेटा? माँ पिताजी कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं इस वक्त। हाँ कह रहे थे बहुत जरूरी काम है इसलिए लेट आएंगे। तू बता तुझे इतनी देर क्यों हो गई? माँ तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। बोल। माँ अभी मैं संजय के साथ था और पता है हम दोनों क्या बातें कर रहे थे? अब तुम दोनों दोस्त एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे मैं कैसे जानूं? अरे माँ अंदाजा तो लगा सकती हो ना तुम। अब संजय की बात रहने दे, पहले बता तू खुशखबरी क्या सुना रहा था। माँ संजय तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लड़का है। अच्छा लगता है ना तुम्हें? हाँ क्यों बोल ना। माँ मैं संजय से मिला, उसने मुझे बताया कि वो पद्मा से शादी करना चाहता है। क्या? हाँ तू सच कह रहा है? अरे माँ सच कह रहा हूँ मैं। एक बार फिर से कह। अरे माँ संजय हमारी पद्मा से शादी करना चाहता है बस। लक्ष्मी क्या बात है दीदी, तू संजय को जानती है ना? हाँ? वो हमारी पद्मा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन पद्मा के बीते हुए कल को जानते हुए भी वो। हाँ मामी, पद्मा के बीते हुए कल को जानते हुए भी वो उससे शादी करने के लिए राजी है। सुना तुमने, हमारी पद्मा कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना अच्छा वर मिल गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है दीदी, मेरे लिए तो एक सपने की तरह है, हमारी पद्मा दुल्हन बनेगी। हाँ हमारी पद्मा दुल्हन बनेगी, अब तो हमें शादी की तैयारियां भी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? हाँ माँ शादी की तैयारियां जल्दी शुरू करो। ठाकुर साहब इन्होंने आपके खिलाफ
एफआईआर लॉन्च करवाई है। अगर किस लिए? इसलिए कि इनका कहना है कि आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। दोहरी जिंदगी? मतलब? मतलब ये कि इनके हिसाब से आप ही वो शख्स हैं जो आज से 20 साल पहले इनकी कंपनी में लाखों का घोटाला किया था। इसके पहले कि ये आपको पकड़ पाए, आप यहां से भाग निकले, देश ही छोड़ दिया आपने। फिर सालों बाद आप लौटे एक नए नाम, नए पहचान के साथ। मेरे पर विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी झूठ बोल रहा है, सारी बातें इसकी बकवास है। अबू साहब, मिस्टर जनार्दन ने आपको पहचान लिया और इसी पहचान के बिना पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं वही आदमी हूं जिसने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है? इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा जनार्दन। मेरे खिलाफ तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, बहुत पछताओगे जनार्दन। ये सब तो कोर्ट में देखा जाएगा ठाकुर साहब, फिलहाल तो आप पड़ेगा। चलिए इंस्पेक्टर, ले चलिए इन्हें। ठाकुर, पहले तो तुम बस निकले, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर, ये सब क्या है? मुझ पर विश्वास कीजिए ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे यूं ही गिरफ्तार कर रहा है, ये तो इन लोगों की रची हुई साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस बस ठाकुर साहब, बहुत हो गया, अवल्ला गिरफ्तार करो इनको। चलिए समय पे आ गई क्या? नहीं बुआ। तो फिर हमारी बेटी किसके ख्यालों में खोई हुई थी? किसी के नहीं बुआ। लगता है तुमने हमारी सारी बातें चुप चुप के सुन ली हैं। नहीं मैं नहीं। तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल रही है। मुझे ये बताओ, संजय के फैसले से तुम खुश हो ना? संजय तुम्हें पसंद है ना? किस्मत अच्छी है कि संजय जैसा इंसान मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन तुम उसे पसंद करती हो ना? हाँ बुआ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन शर्म और डर के मारे मैं आपको बता ना सकी। बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? तुमने किसी से प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया? मैं आज बहुत खुश हूँ, संजय बहुत अच्छा लड़का है और मुझे भी पसंद है। बुआ,